हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12th आईपी का नंपाई फर्स्ट चैप्टर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उसके पास कौन कौन से एरे होते हैं और उसका डेटा टाइप क्या है, उनकी शेप क्या है, साइज क्या है, आइटम साइज क्या है, ये सारी चीज हम लोग देख चुके थे। हमारे पास कोर्स में 1D एरे और 2D एरे ही है, 3D एरे हमारे पास नहीं है। मैंने लास्ट टू लास्ट फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एक्सेस किसे कहते हैं और 2D एरे में एक्सेस और एक्सेस 0 और 1 क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम शेप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। शेप पर मैंने यहाँ पे देखे 2 लिखा हुआ, 2 मतलब मेरे पास यहाँ हॉरिजॉन्टल में 2 लाइनें हैं और 3 का मतलब मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ देखिए 5.23 4.5, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो उसकी शेप क्या होगी 2.3। ऐसे ही मैं 3D एरे में भी कर सकती हूँ, मेरे पास एक्सेस 0 है, 1 है और 2 है। एक्सेस 1, 2, 0 ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिए इसकी शेप का दिखा रहा है 4.3.2। 4 मींस इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, ये वाली लाइन देखिए 1, 4, 7, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं वो है 4, तो स्टार्टिंग में आ गया 4। 3 क्या है, 3 मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स है 9, 6, 9 और 10, 130, 297, ऐसे मेरे पास सारे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। देन लास्ट वाला 2 उसने क्या बोला है, लास्ट वाला 2 किसने लिए बोला है, जो एक्सेस 2 में है उसने उसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए हैं, 9802 7574। ये इन सब की शेप बताने का तरीका है। लास्ट टाइम आप लोगों को इसका प्रोग्रामिंग करवा चुकी हूँ कि हम शेप कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था कि हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। डिफरेंस और सिमिलैरिटी के लिए मैं आपको जो शो कर रही हूँ 1D एरे की ही एरे है। इस एरे में जो इसकी मैपिंग करी गई है, आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, यानी कि इसको मैपिंग को हम और भी क्या बोल सकते हैं, हम इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। कोई भी एरे जब अपने एड्रेस को आइडेंटिफाई करवाता है तो उसको हम बोलते हैं मैपिंग और इंडेक्सिंग। मैपिंग और इंडेक्सिंग में क्या है, अगर 5 को मैं बोलती हूँ तो मेमोरी में कौन सी जगह लेके बैठा है, तो वो जगह का नंबर है 0, और 6 कौन सी जगह ली है उसने 1। तो हमेशा ये स्टार्ट किससे करता है, 0, 1, 2, 3, 4 से, अब तो आप जितने भी एलिमेंट इसको दे सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ एरे इंडेक्स और एरे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 5, 6, 9 है और इंडेक्सिंग जो है वो नंबर्स जो है वो उनकी जगह ऑक्यूपाई करने वाली प्लेस होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इससे आगे हम जो इस स्लाइड में हम लोग करेंगे, पहले उसे डिफरेंसेस करेंगे, देन सिमिलैरिटीज करेंगे, उसके बाद हम एरे नंपाई को बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं। एरे में आप लोगों को सबसे पहली वीडियो में बनवा चुके थे कि हम एरे कैसे बनाएंगे। आज हम करेंगे लाइन स्पेस एंड अरेंज, नॉट अरेंज, अरेंज, ARR नहीं आएगा फंक्शन में, बच्चे से ध्यान से देख ले, सिर्फ एक सिंगल आर है, अ रेंज। रेंज मतलब कुछ एक पर्टिकुलर एरिया, 0 से 1 तक या 5 से 7 तक, ये रेंज आपको आइडेंटिफाई करवानी है। ठीक है, ओके, इसमें हम अब देखते हैं, इसको मैं कर देती हूँ मिनिमाइज, हम कोडिंग करते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बोल रही हूँ, मैं टर्मिनल पे कोडिंग कर रही हूँ, आप लोग अपनी पाइथन की शेल पे कोडिंग करेंगे। इसका साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ओके। यहाँ पे पाइथन की कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसमें नंपाई में, नंपाई एरे और लिस्ट में सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज मैंने आप लोगों को बताया, इंडेक्सिंग और मैपिंग इन दोनों में सेम होती है। इसके लिए हम कोड लिखेंगे, हम पहले क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे नंपाई को, नंपाई एज अ एनपी। अब मुझे क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू देनी है, मतलब एक एरे डिफाइन करना है जो उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। देन मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे। ये हम क्यों लिख रहे हैं एनपी, क्योंकि मैं इस फंक्शन को कॉल करवा रही हूँ, जो ऊपर मैंने numpy को एज ए एनपी जो लिखा है उसको मैं कॉल करवा रही हूँ। उस फंक्शन को मैं इसमें एरे डिफाइन करूंगी। एरे डिफाइन के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, आप कोई भी डिजिट दे सकते हैं, 5, 6, 7 मैं कंसिडर कर रही हूँ, देन मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अब मैं y को डिफाइन करूंगी, y को डिफाइन किया मैंने एनपी डॉट एरे स्क्वायर ब्रैकेट 6, 7, 8, इसको क्लोज किया, देन इसको क्लोज किया। अब मुझे क्या करवाना है, इंडेक्सिंग जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रिंट करवा रही हूँ x की वैल्यू कहाँ से, 0 से, मतलब उसकी x की 0 एड्रेस पे कौन सा नंबर बैठा है ये वो अब मुझे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसने आउटपुट में क्या दिखाया, 5।
यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 5। अगर मैं सेम यही चीज लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ प्रिंट एक्स, अब मुझे देखना है कि उसकी सेकेंड प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो सेकेंड लिखूंगी मैं, और मैंने इसको रन करवाया तो उसने दिखाया कि सेकेंड प्लेस पे उसका क्या है, 7। तो हम इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं, 0, 1, 2, ठीक है। और यही चीज मैं अप्लाई करती हूँ अगर वाई के लिए, मैं प्रिंट करवाती हूँ प्रिंट वाई, उसकी इंडेक्सिंग में देती हूँ मैं 1, तो उसके इंडेक्सिंग में मुझे क्या दिखाएगा, 7। यहाँ देखिए इसकी इंडेक्सिंग में 1 है, 1 प्लेस पे कौन है, 7। ये होती है हमारी नमपाई एरे में और एक लिस्ट में, दोनों में ये हमारे पास आती है सिमिलैरिटी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस के। डिफरेंसिंग में हम क्या देख सकते हैं, एरे के पास अपने आप के जो उसके फंक्शंस होते हैं वो लास्ट में आप एंड अप्लाई नहीं करती है, जबकि लिस्ट ऐसा अप्लाई करती है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं ये चीज। जैसे कि मैंने एक कंसिडर किया, मैं एक वाई ले रही हूँ एज अ लिस्ट ले रही हूँ वाई, जिसके मैं वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ, सॉरी कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 3, 4, 5 मैं कंसिडर कर रही हूँ। एरे को क्लोज किया, इट्स अ लिस्ट, ये लिस्ट है, इसको क्लोज किया, इसके मैं लिख रही हूँ वाई, वाई इज इक्वल टू अपेंड, वाई डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है, आपकी लिस्ट के एंड पर कोई एक नंबर ऐड करवा सकते हैं। अगर मैं ऐड करवाना चाहती हूँ 6, तो वो मुझे ऐड करके दिखा देगा, ठीक है। और अब मैं क्या करवाऊंगी, प्रिंट करवाऊंगी वाई को, यहाँ मैंने वाई को प्रिंट करवाया है, आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं उसने लास्ट में क्या ऐड कर दिया, 6। अगर यही फंक्शन मैं दोबारा लिखती हूँ वाई डॉट एफ एंड, मुझे लास्ट में ऐड क्या करवाना है, मुझे लास्ट में अब एंड के 10 ऐड करवाना है, ठीक है। सेम चीज लिखूंगी प्रिंट वाई, ठीक है। आप देख सकते हैं एरे में अगेन उसने 3, 4, 5, 6 के बाद लास्ट में क्या चीज ऐड कर दी है, 10। यानी कि ये जो फंक्शन अप्लाई होता है, ये हमारे पास एप एंड का जो फंक्शन है, ये सिर्फ लिस्ट में अप्लाई होता है, इसने हमेशा लास्ट में एक नंबर को ऐड किया है। अब हम देखेंगे कि यही चीज नमपाई एरे में अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो हम करवाते हैं इम्पोर्ट नमपाई एस एनपी, मैंने एक्स वेरिएबल डिफाइन किया, एक्स इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे, एरे में मैं कोई भी अपनी एरे डिफाइन कर सकती हूँ, मैंने लिखा 5, 6, 7। प्लीज आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, मेरे नंबर्स को कॉपी नहीं करेंगे, आप अपने आप करके देख सकते हैं, ठीक है। वही सेम फंक्शन मैं अप्लाई करूंगी एक्स डॉट एफ एंड, एंड इसके लास्ट में मैं क्या करवाना चाहती हूँ, मैं लास्ट में 8 ऐड करवाना चाहती हूँ। और यहाँ देखिए उसने क्या बोल दिया है, एप एरे में उसने एरे शो किया है कि आपके पास ऐसा कोई वेरिएबल और एक एट्रीब्यूट, आपके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं कि आप एप एंड अप्लाई कर सके। यहाँ देखिए इसने बोला कि आपके पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं एप एंड के नाम का, यानी कि वो ये बता रहा है कि एरे में हम ये फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास हुआ सेकेंड फर्स्ट डिफरेंस, हमने जो पहले किया था वो अभी किया था, हमारे पास ये था सिमिलैरिटी का फर्स्ट, एक ही सिमिलैरिटी है उसमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमने डिफरेंसेस का फर्स्ट पार्ट किया है कि एरे में क्या होता है, एप एंड फंक्शन अप्लाई नहीं होता है, जबकि लिस्ट में वो फंक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। इसका सेकेंड हमारे पास है कि एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये जितने भी हम एरे में एलिमेंट्स लेंगे, या तो सारे डेटा टाइप ही लेंगे, यानी कि सारे इंटीजर्स ही लेंगे, या तो सारे स्ट्रिंग लेंगे, या फिर सारे फ्लोट लेंगे, ये हमारे पास इसमें जो डिफरेंस है। हम लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्लोट भी ले सकते हैं और इंटीजर्स भी ले सकते हैं और स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप डेसिमल में भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि हमारे एरे में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ होमोजीनियस वो एलिमेंट ही कंसिडर करता है। थर्ड डिफरेंस है, एरे में हमारे पास लेस ऑक्यूपाई स्पेस करता है मेमोरी में, और जबकि लिस्ट बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फोर्थ डिफरेंस है कि हमारा एरे फास्ट होता है लिस्ट से। ऐसा लिस्ट एरे फास्ट क्यों होता है, क्योंकि जितने भी हम कोडिंग करते हैं, जितने भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, वो सारे C++ के फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ये C++ के फंक्शंस को ही अप्लाई करते हैं इसमें कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास
एरे सपोर्ट वेक्टराइजेशन ऑपरेशन। वेक्टराइजेशन ऑपरेशन का क्या मतलब है, यानी कि एक एरे में अगर फंक्शन अप्लाई होता है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई होता है, तो सारे एलिमेंट्स के लिए होगा। यहाँ देखिए, ये एक एरे है, इस एरे में अगर मैं एक फंक्शन अप्लाई करती हूँ, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, तो ये इनके हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा। 5 के लिए अप्लाई होगा, 6 के लिए अप्लाई होगा, 7 के लिए अप्लाई होगा, ये सबके लिए अप्लाई होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोड देख लेते हैं, एक रन कर लेते हैं कोड, ताकि आपको पता चल जाए कि सारे फंक्शन पे अप्लाई होता है या नहीं होता है। हम करेंगे इम्पोर्ट numpy s np। मैं हर बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा कब वो फाइल डिस्ट्रॉय कर दे ऊपर वाली फाइल को, इसलिए हमें बार बार उसको इम्पोर्ट करवाना रहता है। एरर नहीं आए, आप अपने सेफ्टी साइड के लिए लिख सकते हैं। मैंने एक एरे लिया है, एक वेरिएबल लिया x, जिसमें मैं करवा रही हूँ, एरे को कॉल करवा रही हूँ। अब मैंने क्या लिखा है, इसमें मैं नंबर लिखना चाह रही हूँ, मतलब मैं एलिमेंट देना चाह रही हूँ 8 6 4। मैंने अपनी तरफ से कोई भी एलिमेंट्स दे दिए हैं। अब मुझे इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेशन अप्लाई करना है, वो क्या है, x इज इक्वल टू x प्लस 2। ये मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया। अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट करवाऊंगी x को। जैसे मैंने बोला, हर एक एलिमेंट के ऊपर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होगा। दैट्स मीन, यहाँ देखिए, मैंने x पहले किसको कंसिडर किया था, x में मेरे पास वेरिएबल एलिमेंट कौन कौन से थे, 8 6 4। मैंने उस x के वेरिएबल में क्या किया है, x के साथ प्लस 2 और करवा दिया है। हर एक एलिमेंट के ऊपर प्लस 2 अप्लाई हुआ है। 8 प्लस 2, दैट्स मीन उसका आंसर आ गया 10। 6 प्लस 2, आंसर आया है 8। और 4 प्लस 2, आंसर आया है 6। यानी कि अभी हमने देखा, अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है, वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन फंक्शन क्या करता है, एरे के सारे एलिमेंट के ऊपर वो ऑपरेशन को अप्लाई करता है, जबकि लिस्ट हमारी ऐसा नहीं करती है। मैं आप लोगों के पास एग्जांपल दिखा देती हूँ, फंक्शन रन करती हूँ। वाई इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट ले रही हूँ, वाई इज इक्वल टू, मैंने इसको डिफाइन किया 7, 8, 9। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब देखते हैं वो क्या कहेगा। वो कह रहा है कि आपके पास ऐसा कुछ कंसंट्रेशन इंटीजर्स में लिमिट से अप्लाई ही नहीं करते, यानी कि ये फंक्शंस इसके पास अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन लिस्ट अप्लाई नहीं करती है अपने साथ। अगर वो अप्लाई करती है तो पूरी की पूरी लिस्ट के जितने भी नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमने फंक्शन देखे थे, अ रेंज अ लाइन, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करवाते हैं और इनको हम क्रिएट कैसे करते हैं। ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हम अ रेंज और लाइन से कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक नंपाई का एरे।